जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। तो मेरे प्यारे जातक जातिका, धनु राशि के धार्मिक, अच्छी सोच रखने वाले, किसी का बुरा ना हो ये सोचने वाले, लेकिन गुस्सा बहुत करने वाले, मतलब गुस्सा तो ऐसे आता है कि साहब उस टाइम तो बर्दाश्त होता नहीं है। अरे आप सोचिए, आप जैसे सब लोग थोड़ी ना हो सकते हैं। मान लेता हूँ आप इंटेलिजेंट हैं, आप बुद्धिमान हैं, आपके अंदर अच्छी सोच है, लेकिन सभी लोग आपकी तरह सोच क्यों रखेंगे? किसी पर क्रोध करके ना बहुत अच्छा होता नहीं है। ऐसा साइंस में, रिसर्च में आता है कि एक घंटे के क्रोध से उतना नुकसान होता है जितना एक दिन के बुखार से होता है ना। तो एक घंटे का क्रोध, एक दिन का बुखार, दोनों बराबर है। अब हम क्या करें, क्रोध को कंट्रोल रखें ताकि जीवन में सफलता प्राप्त हो। चलिए भैया आपके बारे में और चर्चा करें। खैर, प्रतिदिन रात को 9 बजे और दोपहर 12 बजे आपके साथ लाइव होता हूं, तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और कॉल करके अपने विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सारे उपाय भी संस्था देती है आपको, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं धनु राशि के लिए क्या ग्रह गोचर रहने वाला है। साहब आपकी राशि स्वामी गोचर कर रहे हैं फोर्थ हाउस के अंतर्गत, खैर थर्ड हाउस में प्रभावित करेंगे, बिकॉज पकड़ी हैं इस टाइम पर बृहस्पति। शनि सेकंड हाउस में आपके गोचर करने वाले हैं, बृहस्पति फोर्थ हाउस में एज यूजुअल, एंड फिफ्थ हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस के स्वामी मंगल सिक्स्थ हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र और सूर्य दोनों ग्रह नाइन्थ हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। बुध टेंथ हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। इलेवंथ हाउस में केतु गोचर करेंगे। अच्छा, चंद्रमा तो आप जानते हो बदलते ही रहते हैं सवा दो दिन में। इस महीने क्या कंडीशन रहेगी? स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसमें चिंता का विषय नहीं है। जो प्लानिंग कर रखी थी फ्यूचर की वो पूरी होगी। कुछ प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है, या प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते थे तो प्रॉपर्टी बेचने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, इस प्रकार का जो संयोग है वो आपका निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है। उस प्रकार का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ जो बड़ी अच्छी है वो है टेंथ हाउस के अंतर्गत बुध का होना। टेंथ हाउस में बुध पता क्या करता है? आपकी जितने भी डीले हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लाइजनिंग का कोई भी काम आपका है, आप बिचौलिए का कोई भी काम करते हैं, तो आप बुध आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। आपकी सारी डील्स होती हैं, आपको जो भी रुके हुए कार्य हैं वो हो जाते हैं, आपके बेचने इत्यादि का तरीका अच्छा हो जाता है, तो आप एक अच्छी जो रिजल्ट कह सकते हैं तो यहाँ पर बुध के माध्यम से आप निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में मेरी दृष्टि में इस महीने आपको अच्छा सा रिस्पांस मिलेगा, बढ़िया रिस्पांस कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छा रहेगा। नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो उसके भी काफ़ी सारे ऑफर भी आएंगे और आपकी नौकरी चेंज भी होगी। नौकरी में आपके द्वारा दी गई राय लोगों के लिए लाभप्रद होगी। एक और चीज़ ध्यान रखना होता है, जब ये बुध टेंथ हाउस में गोचर करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि आपको बहुत सारे ऐसे ऑफर दिलवाते हैं जो आपके लिए कई बार बहुत लाभप्रद नहीं होते, अभी फायदा देते हैं, अभी दिखता है कि इसमें बड़ा पैसा आने वाला है, बड़ा फायदेमंद है, लेकिन जब आप इन फ्यूचर उसको देखते हैं ना तो आप किसी मामले में फंस जाते हैं। तो इस समय पर आपके लिए बहुत सारे ऑफर आएंगे, लेकिन उस ऑफर को बहुत सोच समझ करके आप एक्सेप्ट करेंगे तो ही आपको उस ऑफर का लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो आप बहुत सोच समझ करके ही किसी ऑफर इत्यादि को एक्सेप्ट करें ताकि आपको उसका अच्छा रिजल्ट अपने जीवन में देखने को मिले। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, मुझे लगा इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। भाग्य इस बार जबरदस्त तरीके से साथ दे रहा है आपका, भाग्य का अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, 17 तारीख को सूर्य टेंथ हाउस में पहुंच जाएंगे, यानी भागेश और कर्मेश का साहब अपना जबरदस्त संयोग बनेगा। ये संयोग आनंद करा देगा, कुछ अच्छे प्रतिष्ठित लोग, बड़े लोगों से हमारी मुलाकात होने वाली है, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ अच्छा पद मिलने वाला है, ऑफिस में प्रमोशन वगैरह होने वाला है, मजा आएगा इस बार, ध्यान रखिए। लेकिन एजुकेशन वाले बड़े सावधान रहिए, एजुकेशन के लिए महीना अच्छा नहीं है। प्रेम संबंध वाले बड़ा ध्यान रखिए, प्रेम संबंध को लेकर के ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। प्रेमी प्रेमिका की तरफ से धोखा, एजुकेशन की तरफ से अच्छा रिजल्ट ना मिलना, संतान को लेकर के चिंताएं इस महीना सताने वाली है। खैर, देखते हैं, कुछ उपाय बता देता हूँ जिससे आप अच्छा कर पाएँ। एक तो सबसे पहले एक केले की जड़ लेकर के गले में इस महीने पहन लीजिए, ठीक है, और केले के वृक्ष को हर बृहस्पतिवार जल चढ़ा दिया कीजिए, ये बड़ा लाभ करेगा आपको। छोटा उपाय है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, इस महीने की 5 तारीख, 7 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख और 29 तारीख, ये तारीख आपके लिए बहुत शानदार है। इन तारीखों में कोई भी काम करेंगे, इस तारीख में आपके लिए प्रत्येक ग्रह अनुकूल है, तो आपको रिजल्ट जो है वो बहुत जबरदस्त मिलने वाला है।
तो इन तारीखों में आप प्रयास कीजिए, अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कीजिए, परमात्मा की कृपा को प्राप्त कीजिए और जीवन अच्छा रहे। आपके लिए पीला रंग इस महीने शुभ रहने वाला है, शुभ दिशा पूर्व रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस महीने भगवान हनुमान जी आप पर कृपा करने वाले हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं, आपको लगता है ये कार्य हो नहीं सकता या वैसे प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जाइए। कहते हैं ना, आवर देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बाकी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम।